हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपका। बच्चों, जो फिफ्थ राउंड का ऑफिशियल डेट था बच्चों, वो अनाउंस कर दिया गया है और बहुत जल्दी ही बच्चों आपका कंडक्ट होने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। समझ तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। जिन भी बच्चों ने अपना सीट फ्लूट किया था या आपको थोड़े रैंक से बच्चों अभी तक सीट नहीं मिल पाई थी, तो डोंट वरी बच्चों, ये राउंड में डेफिनेटली चांस देते हैं आपको सीट मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, जो भी बहुत क्लोज हैं, ठीक है, लास्ट राउंड के क्लोजिंग कट ऑफ के। और जिन भी बच्चों ने सीट फ्लूट किया था, आपको भी मोस्ट प्रोबेबली कोई न्यू आइजर नहीं मिलता, तो वही आइजर मिलेगा। फिर आप देख लेना आपको बच्चों सीट एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट फ्रीज करना है, एक्सेप्ट फ्लूट करना है, ठीक है। तो बच्चों, आपको जो फिफ्थ राउंड का ऑफिशियल डेट आया है बच्चों, ठीक है, वो आपका 20 अगस्त से बच्चों स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो भी कब, 12 PM से बच्चों स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड 22 अगस्त को बच्चों ख़त्म हो जाएगा, वो भी कितने बजे, 12 बजे 12 PM पे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बात याद रख लेना। और अगर आपको कुछ भी डाउट है बच्चों काउंसलिंग को लेके, या जो बच्चों रिपोर्ट कर रहा है TVM में, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बच्चों DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। और कोई भी अगर आपको डाउट है या कट ऑफ के, और हाँ इंपॉर्टेंट बात, मैं जो बच्चों आपका फिफ्थ राउंड का जो ऑफिशियल डेट तो अनाउंस हो गया आज, ठीक है, अभी मैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और बहुत जल्दी लेके आऊँगा। मोस्ट लाइकली मैं आपको कल मॉर्निंग तक ये कट ऑफ की वीडियो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बच्चों मिल जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, मैं इसका वीडियो प्रॉपर आपको बना के बता दूंगा। ऐसे नहीं मैं गेस वर्क करूंगा, प्रॉपर आपको लॉजिक दूंगा, रीजन दूंगा कि मैं क्यों बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, इस हिसाब से, ठीक है, आपको दूंगा कल मैं। और अभी टेंशन मत लो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी बच्चों का मेरे पास बार बार डाउट आ रहा, भैया क्या अगर मैंने सीट एक्सेप्ट एंड फ्लोट किया है तो क्या मेरे को उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है? नहीं बच्चों, अभी नहीं, जब आप सीट फ्रीज कर लोगे उसके बाद ही आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ऐसे अगर आप सीट फ्लोट की हो तो आपको रिपोर्ट नहीं करना है अभी, आप समझो बात को, ठीक है। जब आप एक्सेप्टेंट फ्रीज कर लोगे तभी आपको बच्चों जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है, उससे पहले नहीं करना है। तो ये गलती मत करो, जो बच्चे एक्सेप्टेंट फ्लोट किए हैं वो भी बोल रहे हैं भैया क्या मुझे रिपोर्ट करना, नहीं अभी आपको नहीं करना है। आप जब अपनी सीट एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लोगे उसके बाद ही बच्चों आपको रिपोर्ट करना है, उससे पहले अभी रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, इस वीडियो में यही था, ठीक है, टेक केयर बच्चों।